भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले घरेलू क्रिकेट की शुरुआत होनी चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएं तो फिर घरेलू क्रिकेट की शुरुआत हो। यहां तक कि रवि शास्त्री कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बाद T20 वर्ल्ड कप नहीं बल्कि द्विपक्षीय सीरीज खेलने के पक्ष में है। इस समय सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड अपने यहाँ सभी तरह की क्रिकेट को बंद कर चुके हैं। हाल ही में BCCI ने IPL के 13वें सीजन को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस वैश्विक महामारी के कारण क्रिकेट बोर्डों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण खिलाड़ियों की सैलरी तक कट गई है। ऐसे में जब क्रिकेट की बहाली होगी तो क्रिकेट बोर्ड नुकसान की भरपाई करने की सोचेगा। रवि शास्त्री ने आगे कहा कि वो इस समय किसी प्रकार के ग्लोबल इवेंट के पक्ष में नहीं है। रवि शास्त्री ने बताया कि 15 टीमों की जगह एक टीम यात्रा करे तो ये सुरक्षित है। उन्होंने पैच उनके अनुसार एक या दो स्टेडियम में द्विपक्षीय सीरीज खेलना अच्छा है, ना कि ज्यादा टीमों वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेना। उन्होंने कहा है, मैं अभी वर्ल्ड इवेंट पर बहुत अधिक जोर नहीं दूंगा। घर पर रहे सुनिश्चित करें कि घरेलू क्रिकेट सामान्य हो। सभी स्तरों पर क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी आदि सभी मैदानों पर वापस आ जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। रवि शास्त्री ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है, द्विपक्षीय क्रिकेट में शुरुआत करो। यदि हमको विश्व कप की मेजबानी और द्विपक्षीय दौरे के बीच चयन करना हो तो जाहिर है हम द्विपक्षीय सीरीज के लिए समझौता करेंगे। उड़ान भरने वाली 15 टीमों के बजाय हम एक या दो मैदान पर एक पूरी द्विपक्षीय सीरीज खेलने की कोशिश करेंगे। LD News Room की रिपोर्ट।